स्टूडेंट्स, आई एम अंचला सेमाल, फोर्थ क्लास एलकेजी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम खाली स्थान भरी है। आज मैं यहाँ पर बहुत सारी वर्णमाला लिखूंगी और आपने क्या सीखना है कि खाली स्थान कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर क, ये खाली है, फिर ग, घ और फिर ग। तो खाली स्थान कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर क्या आएगा? पहले है क, क के बाद क्या आता है? क्या आता है क के बाद? ख। तो हमने खाली स्थान यहां पर भर दिया। क के बाद क्या आता है? ख, फिर ग, घ, ग हमने पहले से लिखा है। अब हम लिखेंगे यहां पर च, छ, ज, यहां पर हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे य। पहले क्या लिखा? च, छ, ज। अब जो ये खाली स्थान है यहां पर हमें क्या लिखना है? झ। क्या लिखना है? झ। अब अगली लाइन में हम लिखेंगे पहले ट, ठ, फिर यहां पर हमें खाली एक वर्ण के लिए खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे ढ, फिर लिखेंगे अण। लिखा ट, ठ। अब ठ के बाद क्या आता है? हम खाली स्थान में क्या भरेंगे? ड। अब हम आखिरी लाइन लिखेंगे ट, फिर यहां पर क्या करेंगे? यहां पर खाली जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे द, ध, न। क्या लिखा हमने? ट लिखा, यहां पर खाली स्थान छोड़ा, फिर क्या लिखा? द, ध, न। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है खाली स्थान भरिए। तो त के बाद क्या आता है? क्या आता है? जैसा कि आपने पूरी वर्णमाला पढ़ रखी है तो आपको भी आना चाहिए कि त के बाद कौन सा वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? ध। ध से थर्मस। अब हम इसको एक बार रीड करेंगे। क्या करेंगे? इसको रीड, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, हमने इन खाली जगहों को भरा है। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले क्या था? क, फिर क के बाद क्या खाली जगह थी? कौन, हम यहाँ पर कौन सी खाली जगह थी? ख के स्थान पर हमने यहाँ पर खाली जगह छोड़ी थी। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा? ख, ग, घ, ग। फिर लिखा हमने च, छ, ज। फिर यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़ी थी, झ की जगह पर हमने खाली जगह को छोड़ा था। फिर ज के बाद क्या आता है? झ, च, छ, ज, झ, य। फिर है ट, ठ। फिर यहाँ पर हमने ड की जगह हमने खाली छोड़ी थी, ठ के बाद क्या आता है? क्या लिखा हमने यहाँ पर? ड, ट, ठ, ड, ढ, ण। सबसे हमारी अंतिम लाइन है त, त के बाद हमने कौन सी जगह खाली छोड़ी? कौन सी जगह? थ वाली जगह। फिर हमने यहां पर क्या लिखा? थ, त, थ, द, ध, न। अब आप इसको अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, और अगर इन वर्णों की जगह कोई और वर्ण भी है तो आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है कि इस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, इस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। ओके, थैंक यू।